मेरा नाम योगेंद्र मिश्रा है। योगेंद्र जी, किस तरह की प्रॉब्लम है और क्या स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम ओग्रो पब्लिक स्कूल है। मैं यहाँ एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क करता हूँ। कितना बिल आया है आपका? अभी 6 अरब समथिंग आया हुआ है। तो उसके लिए क्या आप? उसके लिए मैं 2-3 बार विभागीय दफ्तरों में दौड़ा हूँ, देखा भी हूँ, बात भी किया हूँ, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको करा दूंगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है सब कुछ। तो ये पहली बार इतना बिल आया है? दूसरी बार है ये। पहली बार कब आया? पहली बार 4 तारीख को आया, 4 अगस्त को आया है, जो सेम अमाउंट की है, 6 अरब कुछ रुपये की थी, और इस बार 25 अगस्त को आया है, जो सेम अमाउंट की बिल है। 4 अगस्त की बिल मैंने करेक्शन करा के जमा करा दिया, वो 9,700 कुछ रुपये जमा हुए हैं, लेकिन अभी जो 25 अगस्त की आई है, 25 अगस्त की, वो अभी जमा नहीं कर पाया हूँ, सेम अमाउंट की है। अनियमितता तो पहले से भी थी, लेकिन इस तरह का जो अमाउंट कह लें वो नहीं आया था। तो काफ़ी टाइम तक तो हम लोगों ने ऊपर सोलर लगवा रखा है स्कूल को, बिजली को कम करने के लिए, तो उसमें भी पहले भी हम लोग के बिल को काफ़ी बहुत ज़्यादा आया था, तो उसको वो करके 2-3 बार में ठीक हुआ, धीरे धीरे करके ठीक हुआ। लेकिन ये जो गत महीने का था उसमें इतनी बिल आ गया, इतना ज़्यादा आ गया, तो पहले तो हम लोग को तो अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि ये कहाँ से कैसे हो गया। तो उसको ठीक कराने के लिए हम लोगों ने पावर हाउस में भेजा अपने उनको, लेकिन ठीक करिए, वो लापरवाही में थोड़ा हल्के में लिए और कहे हो गया होगा ऑपरेटर से, ठीक है हम लोग मान लिए ऐसा हुआ ही होगा। फिर दोबारा जब ऐसा हुआ तब हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया कि इसको तो फिर करना। सबसे ज़्यादा बिल आपका कितना आया था और इस बार जो बिल आया? नहीं, बिल हमारा मैं देखिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 तक का आता है, हाँ, वो भी गर्मियों में, हाँ, सर्दियों में अनुमान 5,000 तक का आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता, 7,000 तक हम लोग का बिल आता है। इस बार कितना आ जाएगा? 6 अरब कितने? 6 अरब से ज़्यादा? 6 अरब से ज़्यादा, कोई करोड़ में है, 6 अरब कुछ करोड़ है, बहुत ज़्यादा ही है, अनुमान लगाना मुश्किल है कि इतना बड़ा बिल कैसे आ गया। तो एक बार आया? एक बार आया, फिर दोबारा आया, ठीक है, चूक हुई वहाँ पे ही चूक हुई, लेकिन दोबारा सुधारा जा सकता था, जबकि आपके संज्ञान में आ गया ये बात तो सुधारा जा सकता था तुरंत, आपको एक बुला के जो भी जिसकी भी गलती हो उसको जांच के फिर वो ठीक करा के आप हमारे यहाँ किसी को भेजते कि भाई ये गलती हो गई, चाहे टेलीफोनिक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेलीफोन कर देते कि आप मेरी गलती होगी दोबारा नहीं होगी, बस काम ख़त्म, उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे संज्ञान में आया तो हमने उसको और गंभीरता से उसको देखा, सिस्टम पर बिल जनरेट नहीं है इसमें, इसकी स्टडी करने पर ये संज्ञानित हुआ है कि ये इस परिसर पर एक रूफटॉप सोलर सिस्टम प्लांट लगा हुआ है, और रूफटॉप सोलर प्लांट की एनर्जी की मीटरिंग के लिए नेट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आम उपभोक्ताओं की जो हम मीटर की रीडिंग कराते हैं वो स्पॉट बिलिंग मशीन SBM के माध्यम से कराई जाती है। हमारे मीटर रीडर उपभोक्ता के घर पर जाते हैं और वहाँ मीटर की रीडिंग देख करके उसमें फीड करते हैं, उसके बाद वो रीडिंग हमारे सिस्टम पर आती है। नेट मीटर के लिए SBM मशीन कंपेटेबल ही नहीं है। मीटर रीडर के द्वारा इस चीज़ की जानकारी ना होने की वजह से वो उस परिसर पर चला गया, और जब उसने उस बिल को बनाने का प्रयास किया तो SBM मशीन ने उस बिल को गलत बना दिया। लेकिन उस SBM मशीन को जब हमारे सिस्टम पर बिल को फाइनल करने के लिए अपलोड किया गया तो हमारे सिस्टम ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे सिस्टम पर ये बिल अभी तक बना ही नहीं है, वो SBM से गलत बिल बन गया मीटर रीडर की अज्ञानता की वजह से। और मीटर रीडर को जब ये देख लिया था कि बिल इतना ज़्यादा बन गया है जो गलत है, तो उपभोक्ता को देना नहीं चाहिए था, उसकी वो गलती थी, ये बिल जो है मीटर रीडर की गलती की वजह से ये त्रुटिपूर्ण बन गया है और उपभोक्ता को इसकी वजह से कष्ट हुआ है, इसके लिए हम उपभोक्ता से क्षमा याचना करते हैं। लेकिन उपभोक्ता का कहना है कि उसके 2 बार इस तरह की बिलिंग 6 अरब से ज़्यादा की हो चुकी है। नहीं, मेरे संज्ञान में तो एक ही बार आया है, 9,000 जमा किया, जबकि सेकेंड टाइम फिर से 6 अरब 81 करोड़ की बिल आई है समथिंग। नहीं, इस बिल की बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ये तो मैंने भी देखा है कि सिस्टम जनरेटेड बिल नहीं है, लेकिन SBM का बनाया हुआ है, बिल बना है, इससे पहले मैंने इस तरह का बिल कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया, और अगर बिल ऐसा बनता तो वो हमारे पुराने महीने के असेसमेंट में शामिल हो जाता, जिसकी पूरी गहन समीक्षा की जाती है हेडक्वार्टर लेवल पर भी, हमारे लेवल पर भी, ऐसा कुछ हमारे सिस्टम में कोई इस तरह का बिल नहीं बना है पूर्व में।
आमतौर पर मेरे डिवीज़न में इस तरह की शिकायतें बहुत कम आती हैं, लेकिन अगर कोई शिकायत आती है तो हम अपने उपभोक्ताओं के साथ हैं। अगर किसी उपभोक्ता को हमारे मीटर रीडर से किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें अपना एहतियाती समझ के पहले हमसे संपर्क करें।